हाय फ्रेंड्स, मैं दीपाश्री स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीपाश्री कुमारी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल स्वीट्स की रेसिपी, जो एक कप दूध से ही मैंने बनाई है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रखी है और इसमें हम डाले हैं 1 चम्मच घी, जिसे हम हल्का मेल्ट होने देंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध, इसे हम मिला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 कप मिल्क पाउडर। और गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे लो ही रखा है, अभी तक दूध जो है हमारी ज़्यादा गर्म भी नहीं हुई है। और इसमें हमने 2 कप मिल्क पाउडर डाल दिए हैं और इस तरह से इसे हम मिलाते जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच, इसमें हमने चीनी डाली है क्योंकि मिल्क पाउडर ऐसे ही मीठा होता है, तो चीनी की मात्रा थोड़ी कम ही डाली जाती है। तो हमने यहाँ पे लगभग 2-3 चम्मच चीनी डाल दिए हैं और इसे हम चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमें बराबर ही चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी यह रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 चम्मच घी डाल करके इसे हम मिला लेंगे। और अब हमने डाले हैं इसमें 1/2 कप नारियल का बुरादा, और इसे हम इस तरह से मिला करके चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, घी डालने से यहाँ पे जो है और पैन भी छोड़ने लगती है, चिपकती नहीं है ज़्यादा कढ़ाई में। और यहाँ पर वापस से हमने 1 चम्मच घी और डाल दिए हैं और इसे हम चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिश्रण जो है बहुत ही जल्द गाढ़ा हो जाती है। और जब ये कुछ इस तरह की होगी तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम इस तरह चलाते हुए ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1 प्लेट लिए हैं और इसमें भी हमने 1 चम्मच घी नीचे लगा दिए हैं। और अब हम इसके ऊपर ये मिश्रण डालेंगे। और मिश्रण को हम चम्मच से अच्छी तरह मिला लेंगे और इसे हम ठंडा करेंगे। और इतना इसे हम ठंडा करेंगे जिससे कि हम हाथों से इसे छू सकें। और अब हम हाथों में हल्का सा घी लगाएंगे और इस तरह की प्लास्टिक पे रोल करेंगे और इसे हम हल्का सा जो होता है राउंड शेप में, ऊपर से ये राउंड शेप रहेगी और नीचे से जो है प्लेन रहेगी, इस तरह से हम इसका शेप देते हुए इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और अब हम इसे फ्रिज में डाल देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो अब हम इसे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से शेप हुआ है। और एक कट करने के बाद हम चाकू को साफ कर लेंगे और इसके बाद हम सभी को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर स्वीट्स जो है तैयार हो गया है। और इसी मिश्रण से आप बहुत सारे शेप में बना सकते हैं जैसे। तो यहाँ पर हमने सभी को इस तरह से कट कर लिए हैं और अब हम इसके ऊपर पिस्ता जो है डाल देंगे, कटे हुए पिस्ता से इस तरह सजा देंगे जिससे कि ये दिखने में और भी खूबसूरत लगे और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारी यह रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम इसी तरह की और भी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।